क्या पैसे आएंगे और इनकी लाइफ सेट हो जाती है। ऐसे ही होता है, तो लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती उनसे कहा जाता है कि भाई नौकरी कर ले, प्राइवेट ही कर ले, तो वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। दूसरा तरीका उन्हें बताया जाता है कि भाई तू जो सरकारी नहीं कर सकता, तू प्राइवेट नहीं कर सकता, तो एक दुकान ही खोल ले, क्योंकि दुकान खोलने के लिए तो कोई इंटरव्यू नहीं देना, दुकान खोलने के लिए तो उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं भी है तो भी खोल लेगा, क्योंकि उसे तो नहीं खोल कहना पड़ेगा आपको, भाई तू ही दे दे 2-3 लाख रुपए, मुझे तो इकट्ठे ही नहीं करते, वो कहेगा जी हाँ लगा दूंगा तो खोल दो। तो दूसरा तरीका वो है। तीसरा एक प्राचीन तरीका, अगर किसी के पास खेती है तो खेती कर कर वो कुछ आमदनी अर्जित कर सकता, अपना खाना पीना चला सकता है, हाँ कि ना। और एक तरीका होता है व्यवसाय का, जैसा आपने देखा कि किसी ने ये होटल खोला तो ये होटल किसी का व्यवसाय है, किसी ने फैक्ट्री लगाई तो वो किसी का व्यवसाय है, किसी ने मार्केट में कोई दुकान खोली किताबों की या किसी भी चीज की, वो उसका व्यवसाय है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही है, राइट। तो मिडिल क्लास फैमिली में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप ही उसको बचपन से उसके दिमाग में इतना डर बैठा देते हैं कि वो बिजनेस करने की दिशा में तो जाता ही नहीं है, बिजनेस के बारे में तो वो सोच ही नहीं पाता। हम अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए लगाते हैं, सोच के देखो लाखों, और उसके बाद में उसे क्या सिखा रहे होते हैं, बेटा तुझे जॉब करनी है, जस्ट ओबे योर बॉस, जॉब करनी है। तो वैसे ही मेरे साथियों, जब पैसे कमाने के वो एक तरीके हैं, वैसा ही एक तरीका है मोरिंगो ऑर्गेनिक्स, एक नया तरीका, एक आधुनिक तरीका पैसे कमाने का। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है